स्टार्ट करते हैं न्यू वीडियो। 20 फीट बाई 25 फीट हाउस प्लान, 500 स्क्वायर फीट हाउस प्लान डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, इस तरफ एक बेडरूम है और यहीं पे एक बेडरूम, और इस तरफ आ जाएगा लिविंग कम डाइनिंग हॉल, और इस तरफ किचन जो है ओपन किचन रखा है, लिविंग कम डाइनिंग, और यहीं पे ओपन किचन। जगह ज़्यादा नहीं है इसलिए इसको ओपन रखा गया है ताकि डाइनिंग हॉल के साथ वो एडजस्ट हो सके। नेक्स्ट यहीं पे आ जाएगा टॉयलेट, लैट्रिन कम बाथ। टॉयलेट और स्टेयर जो है हमारा, इस तरफ स्टेयर है, स्टेयर का जो ऑफ है इस तरफ ऑफ रखा है, और यहीं पे इस तरफ आ जाएगा डाउन। तो इसका जो डिटेल्स है शेयर करते हैं। हमारा ऑल आउटसाइड का वॉल 10 इंच वाइड किया और इनसाइड में 5 इंच का वॉल यहीं पे वाइड किया है। तो विंडो का पोजीशन यहीं पे दिखाया गया है। तो देखिए, इस तरफ जो बेडरूम का विंडो है यहीं पे एक विंडो है, और ये डाइनिंग हॉल का विंडो, और टॉयलेट का वेंटिलेशन इस तरफ रहेगा, और बेडरूम का विंडो इस तरफ है। तो यहीं पे क्या करेंगे, अभी इसका जो मेज़रमेंट है मेज़रमेंट डिटेल्स देख लेंगे। तो यहीं पे जो फर्स्ट बेडरूम है ये वाला थोड़ा मास्टर बेडरूम है, 10 फीट बाई 12 फीट, और ये थोड़ा छोटा बेडरूम है 8 फीट बाई, इस तरफ आ जाएगा 9 फीट 7 इंच। तो इतना छोटा बेडरूम हो गया। नेक्स्ट चलते हैं यहीं पे जो डाइनिंग हॉल है, इसका साइज आपको मिल जाएगा 9 फीट 11 इंच, और यहीं पे किचन लेके आ जाएगा 8 फीट 6 इंच, और इस तरफ टॉयलेट 4 फीट बाई, इस तरफ आ जाएगा 6 फीट 6 इंच, और यहीं पे स्टेयर्ड हॉल का साइज मिलेगा लैंडिंग लेके 13 फीट 4 इंच बाई, इस तरफ आ जाएगा 6 फीट। तो एक एक का स्टेयर का विड्थ आ जाएगा 3 फीट करके, ठीक है। तो चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं इसका जो कॉलम पोजीशन है, कॉलम पोजीशन देख लेंगे। तो यहीं पे येलो कलर का बॉक्स जिधर ड्रॉ किया, इस तरफ आपको 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम यहीं पे पॉइंट करना है। तो यहीं पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर्स कॉलम यहीं पे ज़रूरत रहेगा इस बिल्डिंग बनाने में। तो बिल्डिंग का जो मेन एंट्रेंस था इस तरफ मेन एंट्रेंस था। मेन एंट्रेंस के बाद यहीं पे एक डाइनिंग हॉल मिलेगा किचन के साथ, वहीं पे लेफ्ट में एक बेडरूम, और यहीं पे एक मास्टर बेडरूम और स्टेयर एक कोना में प्रोवाइड किया गया ताकि यहीं पे पेस मैनेजमेंट जो है अच्छा सा हो सके। तो यहीं पे ये हो गया टोटल मेजरमेंट के साथ। तो बहुत ही अच्छा सा प्लान है, 500 स्क्वायर फीट के अंदर एक बहुत ही शानदार प्लान है। आपका अगर इस तरफ का प्लॉट है तो आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करके अपने हिसाब से आप भी कर सकते हैं। तो चलिए, इसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना आएगा देख लेते हैं। तो यहीं पे 500 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया है, तो यहीं पे अभी 1500 करके आ जाएगा, तो 7.5 लाख खर्च यहीं पे आ जाएगा टोटल बिल्डिंग कंप्लीट करने में अप टू फिनिशिंग तक। पेंटिंग प्लास्टरिंग लेके सारी चीज़ कवर कर सकते हैं इस बजट के अंदर।